फ्रेंड्स, हमने ब्रेड से ब्रेड कचौरी बनाई है। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना फ्रेंड्स। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। इसके लिए हमने 300 ग्राम आलू को उबाल कर मैश करके ले लिया है। 1 कप फ्रेश मटर को हमने हल्का बॉईल करके ले लिया है। 4 से 5 हरी मिर्ची को हमने काट कर ले लिया है। 1 इंच के अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको साफ कर लिया है। इसको भी छोटे टुकड़े हम काट लेंगे। और कुछ धनिया की पत्ती ली है हमने। इसकी हम हरी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। हमने एक मिक्सी जार लिया, उसमें अदरक हरी मिर्ची को डाल दिया है। धनिया पत्ती भी डाल देंगे। हमने धनिया पत्ती को काट लिया है, अब हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और बारीक पीस कर चटनी तैयार करेंगे। हमने चटनी को बना के तैयार कर लिया, अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने चटनी को एक बाउल में निकाल के ले लिया है। अब एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब 1 छोटा चम्मच सरसों का दाना डालेंगे। राई को थोड़ा चटकने देंगे। 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को थोड़ा चटकने देंगे। 1/4 चम्मच सौंफ डालेंगे। 1 चम्मच साबुत धनिया को हमने दर दर कूट लिया है, उसको डालेंगे। 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब फ्रेंड्स, जो चटनी हमने पीस कर रखी थी अदरक मिर्ची की धनिया की, उसको डालेंगे। चटनी को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, चटनी को हमने 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे और 1 मिनट तक भूनेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक को मसाले में अच्छे से मिलाएंगे। अब उबला हुआ मटर डालेंगे। फ्रेंड्स, ये फुल उबला हुआ मटर नहीं है, ये हाफ़ है। हमने इसको आधा ही उबाला था, आधा इसमें पक जाएगा। मटर डालकर 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। अब फ्रेंड, हम जो आलू उबाल के रखे थे उनको डाल के मिलाएंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं और मिलाते जाएंगे। अब फ्रेंड, हमारी स्टफिंग बन के तैयार है। हमने इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके वो डाला है। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मिला लेंगे अच्छे से। अब गैस को बंद कर देंगे और आगे की तैयारी करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले एक कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब इसमें सरसों का तेल डालेंगे। हम सरसों के तेल में फ्राई करेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी कर सकते हैं। हमारा ऑयल गरम हो रहा है, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हमने बड़े साइज के ब्रेड लिए हैं। अब हम चाकू की सहायता से इसके चारों तरफ के किनारे निकाल लेंगे। हम सभी ब्रेड के किनार काट कर अलग रख लेंगे। फ्रेंड्स, हम इन किनारों को भी फेंकेंगे नहीं, इनका भी हम यूज करेंगे। हम इनको सुखा कर ब्रेड क्रम बनाएंगे। हमने सभी ब्रेडों को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे, एक ब्रेड लेंगे। ब्रेड को पानी में डिप करेंगे और हाथों से दबाकर पानी निकालेंगे। अब हम आलू की स्टफिंग को लेंगे, ब्रेड के ऊपर रखेंगे। अब हम चारों किनारों को इकट्ठा करेंगे और हाथों से दबाएंगे। इससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। इसका पूरा पानी निकाल देना है फ्रेंड्स, हाथों से दबा दबा कर, और जॉइंट को भी मिलाते जाना है।
हाथों से दबाकर पूरा पानी निकाल दिया है फ्रेंड्स, और अब कचौरी का शेप देंगे। हम इसी तरह सारी कचौरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम एक एक कचौरी को डालेंगे और फ्राई करेंगे, इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई। फ्रेंड्स हमारी कचौरी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अब हम इनको निकालते जाएंगे और एक प्लेट में रखेंगे। इसी तरह सारी कचौरियों को तलकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप एक बार इन कचौरियों को बनाएंगे तो आप बाकी सारी कचौरियाँ बनाना भूल जाएंगे, आपको यही पसंद आएंगी। ब्रेड कचौरी को बनाकर तैयार कर लिया है, अब हम इनको गर्म गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी कचौरी बनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।